गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा बोली लिपि व्याकरण तथा हिंदी भाषा पढ़ेंगे। ये रिवीजन है आपका बेटा, ठीक है, रिवीजन वीडियो है। इससे पहले आप लोगों को ये वीडियो दे चुके हैं हम, ठीक है, क्योंकि आपके यूनिट परीक्षा फर्स्ट में ये चैप्टर आना है, तो इसलिए आपका इसको रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है बेटे। तो एक बार और हम ध्यान से ये वीडियो देख लेंगे ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें और अपनी यूनिट परीक्षा में आप अच्छे से जो है उसको अपनी परीक्षाओं को दे सकें, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को, समझते हैं इसको कि भाषा है क्या, भाषा की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी है और भाषा होती क्या है, ठीक है बच्चे। अपने दैनिक जीवन में अपने विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुँचाएं, घर हो, विद्यालय हो, पार्क हो, दुकान हो, कोई भी जगह हो बेटा, व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ता है, तभी उसकी बातचीत को समझ पाता है। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? अपने सही पहचान भाषा, बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है, ठीक है ना। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, किसी की बातों को समझना या अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाना क्या है, मुश्किल होता है अगर हमें भाषा का ज्ञान न हो। संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती, ठीक है। कुछ ही बातों को हम संकेतों द्वारा बता सकते हैं, या बहुत कम लोग हैं जो संकेतों की भाषा जानते हैं। अधिकतर जो है हमें भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती है, अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये भाषा का एक रूप तो होता है, किंतु पूर्ण तरह से इसे भाषा नहीं कहा जाएगा। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी, ठीक है बेटा। भास धातु से बना है भाषा, और भास धातु का अर्थ क्या होता है? वाणी, ठीक। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाजों में एक दूसरे तक अपने भावों को पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियां आवाज निकालना भाषा नहीं, ठीक है बेटा। सिर्फ ध्वनियों का निकलना भाषा नहीं कहा जाए, भाषा हम उसको कहेंगे कि जो है जिसकी लिपि भी हो, है ना। जितनी भी भाषाएं हैं जो संविधान में हमारी भाषाएं हैं, इनको मान्यता मिले, या विश्व की जो भी भाषा, उनकी सबकी कोई ना कोई लिपि है। बाकी को क्या बोलते हैं? बोली। जिनकी लिपि नहीं उनको हम बोली बोलते हैं, है ना। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से ध्वनियां निकालकर अपनी बात समझाता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी मां परिवार के संपर्क में जो है क्या करता है, उच्चारित ध्वनियों को उच्चारित करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है, ठीक है। भाषा के निम्नलिखित लक्षणों से पता चलता है कि भाषा क्या है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भाव विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा शब्दों का अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना भी होती। इस प्रकार से हम भाषा की डेफिनेशन या भाषा की परिभाषा क्या होगी। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप देख लेंगे, मौखिक या कथित भाषा और लिखित भाषा, ठीक है बेटा। मौखिक भाषा क्या होगा? जब क्या करेंगे, जब हम अपनी बात को जो है, जिसमें वक्ता अपनी बात को बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता उसकी बात सुनकर समझता है, उसे कथित भाषा या मौखिक भाषा कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि अध्यापिका मनीषा से अपनी बात बोलकर, या छात्र छात्रा अपने माता पिता की बात सुनकर, ये सब उदाहरण किसके हैं? मौखिक भाषा के, ठीक है। दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा, ठीक है बेटा। लिखित भाषा किसे बोलेंगे हम लोग? जब क्या होगा, अपने अनुभवों को हम क्या करेंगे? लिखकर, ठीक है ना। आपको पहले भी एक वीडियो बताई थी मैंने, उसमें लिखा गया था कि मौखिक भाषा के दो रूप मैंने बताए थे आपको, कि जहाँ पे मौखिक भाषा की, जहाँ हम बोलकर या सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जहाँ हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं, तो वो लिखित भाषा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, लिखित भाषा के उदाहरण आप यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ मनीषा ने पत्र लिख के अपने अनुभवों को व्यक्त किया, तो पत्र लिखना क्या हुआ? लिखित भाषा। अध्यापिका ने पत्र पढ़कर उसकी भावना समझी,
या भाषा का लिखित रूप है ना? समझ रहे हैं? मनीषा का पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप, अध्यापिका का पत्र पढ़ना वो क्या हो गया? भाषा का लिखित रूप बेटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे मातृभाषा। ठीक है, कि मातृभाषा किसे कहेंगे? ठीक है बच्चे, तो मातृभाषा हम देख लेंगे किसे कहेंगे। मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जो सबसे पहले बालक अपनी माँ या परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा भी गुजराती होगी, यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की क्या होगी? मातृभाषा कश्मीरी होगी। ठीक है, इसके बाद आते बेटा राष्ट्रभाषा, कि राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा, यानी किसी देश के अधिकतर नागरिक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% भारतीयों द्वारा किया किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी आदि। ठीक है, अब देखेंगे बेटे ये थी राष्ट्रभाषा, अधिकतर नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा। हम देखेंगे बेटा राजभाषा। ठीक है, कि राजभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा और राजभाषा देखिए दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा। ठीक है, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाई जाती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के कार्यालयों में कामकाज में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं राजभाषा। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इसे एक न समझें। भारत में कार्यकारी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा ना आप, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या कहा गया बेटा? राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, अब देखेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा था संपर्क की भाषा। ठीक है, संपर्क भाषा यानी संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं संपर्क भाषा कहलाती। आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग उस राष्ट्र के निवासी करेंगे, उस जगह के निवासी करेंगे, उसे हम कहेंगे संपर्क भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। इतना समझ आ गया सबको? ठीक है बेटा, अब देख लीजिए भारत की मान्यता प्राप्त भाषा। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है बेटा? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार है हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। समझ में आ गया? ये वो 22 भाषाएं हैं जिसे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चे मानक भाषा क्या होती है। मानक भाषा जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती तो तब उसकी एक रूपता को बनाए रखने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियां तथा भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मानक भाषा किसे कहेंगे हम? अब इसको शुद्ध रूप जो है कौन सा माना जाए तो इसको क्या कहेंगे फिर? तो क्या हुआ, इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है उसे हम मानक भाषा कहेंगे। वह भाषा का मानक रूप कहलाता है, क्योंकि अशुद्धियां बहुत सारी हो जाती तो किसको हम सही माने और किसको ना माने, तो इसके लिए जो विद्वानों द्वारा या शिक्षित जनों द्वारा स्वीकृत भाषा होगी उसको ही हम मानक भाषा कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए अमानक रूप, जैसे द के नीचे ध लगाते हैं लेकिन मानक रूप क्या हो गया? द के नीचे हलंत लगा के ध, अग्र
ये हो गया इस तरह से, ख ऐसा न लिखिए, ख को इस तरीके से लिखा जाएगा, झ इस तरह से न लिखिए इस तरह से, अंत इस तरीके से लिखा जाएगा, संबंध ऐसे भी लिखते हैं लेकिन अब इस मानव रूप में किस तरह से, इस तरह से, नए यो के ऊपर एक ही मात्रा लगती थी, अब नए ए आई वाला आई आई अब इस तरह से, ठीक है। तो ये मानक रूप हो गया अब, है ना, शुद्ध रूप जो हो गया, ठीक है। ये आपके भाषा लिपि और व्याकरण पाठ का ये रिवीजन आप लोगों को करवा दिया है मैंने, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं। और अब जो है आप लोग जो है इसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे बच्चों, और समझ रहे हैं, और इसको अपने पेपरों के लिए अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए बोली देख लेते हैं कि बोली क्या होती है, भाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है बोली देखेंगे कि बोली क्या होती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, इसमें साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती। कुछ साहित्यकार बोलियों में साहित्य की रचना की, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कवितावली, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और उसमें साहित्य रचनाएं नहीं होती। तो हम क्या समझेंगे कि भाषा का क्या सीमित रूप या क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाएगा, बोली, ठीक है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होगा। अब देखेंगे बेटा उपभाषा क्या होती है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा क्षेत्र में बोली बोले जाने लगी, तब वह उपभाषा बन जाती है। साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य रचना, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है, ठीक है बेटा। एक उपभाषा कई बोलियां हो सकती है, एक उपभाषा में क्या हो सकता है, कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई है और क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। राजस्थानी की कई बोलियां जैसे जयपुरी, मेवाड़ी, मराठी, ठीक है, मालवी, जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है, ठीक है। आप लोग समझे उपभाषा क्या हुआ, बोली का, जब बच्चे जब बोली का क्षेत्र बढ़ा तो वो क्या बनी, उपभाषा बनी। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती लेकिन उपभाषाओं में साहित्य रचनाएं होने लगती हैं, ठीक है। और उपभाषा का क्षेत्र भी जब बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाती, भाषा बन जाती है, ठीक है, समझ गए आप लोग। एक उपभाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, ठीक। हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां देख लेंगे जरा। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आती है। पूर्वी हिंदी में क्या आते हैं, हिंदी की पांच उपभाषा, ठीक है, पांच वर्गों में बांटा गया, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगधी, महगी, भोजपुरी, अंगिका, ठीक है। अब देखेंगे लिपि। लिपि का अर्थ है लिपना। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि मनुष्य ने जो है उच्चारित ध्वनियों को क्या है, भाषा का रूप दिया, ठीक है, अपने विचारों को दूसरे संबंधी तक पहुंचाने के लिए उसने क्या किया, उसे जिसे चित्र लिपि कहा, उसने चित्रों द्वारा, फिर उसने ध्वनियों को चिन्ह दिए और ध्वनियों को, उच्चारित ध्वनियों को, ठीक है, लिपि किसे कहेंगे हम बेटा, उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि। उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कुछ भाषाएं हैं और ये इनकी लिपियां हैं, जैसे संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, कश्मीरी की देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, संथाली की देवनागरी, बोडो की देवनागरी, कितनी सारी भाषाएं जिनकी लिपि देवनागरी है, ठीक है। अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसिस रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और बंगाली की बांग्ला, ठीक बेटा। ये क्या है, ये भाषाएं और ये इनकी लिपियां हैं, ठीक हो गया, समझ गए आप लोग। ये चैप्टर आपका अब यहाँ पे समाप्त होता है बेटा, ठीक है। इसमें ये देवनागरी भाषा की विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है, कि देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह, एक ही चिन्ह निर्धारित है, लेखन और मुद्रण में एक रूपता है, जबकि इन बाकी जो भाषाएं उनमें अलग अलग है। देवनागरी की बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि और जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि एक रूपता है,
ठीक है, अंग्रेजी भाषाओं में वर्तनी की समस्या को सुलझाने के लिए देवनागरी पर आधारित देवग्रीक लिपि प्रचलित की गई। कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेखों का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। ये इसकी देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित आपको जो वर्कशीट जाएगी बेटा, ठीक है, उसे आप लोग अर्सल पे अपलोड नहीं करेंगे, उसको अपने पास ही करके रखेंगे। और आशा करती हूँ कि अब जो है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी यूनिट परीक्षा के लिए अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।